हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे बीटू अकेडमी में। और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नए सेट की, और जो से आपको एक नए बेहतर से नए बेहतर की तलाश है वो आपके लिए हम लाए हैं। इसमें आपके एक नंबर भी नहीं कटने चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और हमारे साथ साथ रिवाइज और कमेंट बॉक्स पर आंसर करते जाना, जिससे आपका अच्छा रिवीजन भी होगा। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे लिखते जाने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? ये हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। आपको अपने कॉपी में नोट डाउन लिखते जाना है। सेकंड है, सुरसारावली की रचयिता कौन है? सुरसारावली की रचयिता कौन है? सेकंड के हैं महात्मा सूरदास। थर्ड, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा को अन्य न्याय से मुक्ति दिलाना। सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? ब्रह्मा भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वत्सल रस के सम्राट कौन हैं? वत्सल रस के सम्राट कौन है? महाकवि सूरदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद राम रचयिता मानस के किस खंड से संबंधित हैं? बाल खंड से हैं। किस खंड से हैं? बाल खंड से है अपने। और ये सारे क्वेश्चन अपने फ्रेंड को भी शेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। रामचरितमानस है। तुलसी की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम भक्ति शाखा के। नौवां, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक के नाम लिखिए। इनके लेखक के आपको नाम बताने हैं। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? इनके लेखक होंगे हमारे श्री स्वयं प्रकाश। ठीक है। चश्मे का कमायनी महाकाव्य या खंड काव्य है आपको ये बताना है। कमायनी जो रचना है ये खंड काव्य है या कि महाकाव्य है? तो ये है आपका होगा महाकाव्य होगा। कमायनी के रचयिता का नाम लिखिए। कमायनी के रचयिता का नाम लिखना है तो इनका आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 11वां, 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति है? तो इसमें किस चीज़ की अभिव्यक्ति है? जीवन में यथार्थ एवं अभाव पक्ष की है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो एकल शब्द लिखिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जिसका आंसर होगा आदुति भी अन बेजोड़। ये दो शब्द होते हैं, आदुति आप लिख दो या कि बेजोड़ लिख दो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। आपको इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने और इनके साथ आपको ये देखना है कि आप किस क्वेश्चन और किस टॉपिक से आप कमज़ोर हैं। आपको उस टॉपिक की रिवीजन एग्ज़ाम से पहले आपको बेहतर तरीके से कर लेना है। आपको इस कॉपी में आपको पूरे डाउट क्वेश्चन एक अलग लाइन में लिखने हैं और एक सॉल्व क्वेश्चन आपको एक अलग लाइन में लिखना है, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे आपके सारे सेट और सारे सेट का रिवीजन हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मन्नू भंडारी को कौन सा पुस्तक मिला? मन्नू भंडारी को कौन सा पुस्तक मिला? उनको मिला शिखर सम्मेलन, सॉरी शिखर सम्मान। उनको मिला शिखर सम्मान। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा अपनी है हिंदी।
द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन कहलाएंगे? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। 18, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे हमारे? हमारे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आगे किस कविता का नाम है? आगे किस कवि के नाम है, ठीक है ना, इनको किस नाम से जाते हैं? इन्हें बैद्यनाथ मिश्रा को हम आगे भी कहते हैं, ठीक है। बैद्यनाथ मिश्रा जी जो हैं उन्हें हम आगे के नाम से भी जानते हैं। 20 क्वेश्चन की ओर। ईश्वर के अनेक नाम हैं, शुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। हमें इसमें ये लिखना है ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो क्या लिखेंगे? अनेकों नाम ही होते हैं, ईश्वर के अनेक नाम होते हैं। इसमें जो आप त्रुटि है, त्रुटि जिसमें है अनेकों में है, यहाँ पे होगा आपका अनेक होगा, ठीक है दोस्त। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं संधि तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो आपको ये बताना है ये कौन सा संधि है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि किस संधि के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें विच्छेद पूछा, तो विच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें बताना है कि संधि कौन सी है। तो इसका संधि हो जाएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा जगत, ठीक है, जगत प्लस हो जाएगा नाथ, ये हो जाएगा आपका मिल गया जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ से मिलकर हो जाएगा जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह कौन सा रस कहलाता है? विरह का मतलब अलग, अलग भाव जहाँ व्यक्त करता हो, नायक और नायिका के जहाँ अलग होने का भाव व्यक्त करता है, तो वह रस कौन सा है? वह रस आपका कहलाएगा वियोग रस, ठीक है, जिसके बारे में आपसे अच्छा कोई ना जानता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वत्सल रस के अतिरिक्त रसों की संख्या कितनी है? वत्सल रस में अतिरिक्त रसों की संख्या कितनी है? तो ये आपका होगा 9। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या हो गया आपका कितना होगा? 33। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? नाम लिखिए। ना होंगे ये तीन होंगे, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल, मिश्र, संयुक्त, मेरे साथ आपको बोलते चलना है, सरल, मिश्र, संयुक्त, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 यानी 26, रिपोर्टर्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टर्ज होगा आपका फ्रांसीसी भाषा का, ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है रिपोर्टर्ज। सम्राट मतलब उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास के जो सम्राट कहे गए हैं वो किन्हें कहे गए हैं? उन्हें हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एकांकी में कितने अंक होते हैं? यानी एकांकी जो हम होते हैं, एकांकी लेखन में एकांकी कितने अंक होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ उसका एकांकी का एक ही अंक होता है, अंक जो होता है एक ही होता है। नेताजी की मूर्ति किसने या किससे बनी थी? नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से बनी थी। और किसने बनाई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। साथी बाल गोविंद भगत सिंह सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? वो पहनते रहे टोपी। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर क्या कहते रहे? उनके पिता कहते रहे उनको भाटियार खाना, भाटियार खाना,
और आपके पिता क्या कहते हैं इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत विभाजन की चरित्री पर मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? झूठा सच उपन्यास है। देखो क्या है, दो को क्या है, छत्तीस का दो को क्या है, दो को क्या कहलाता है? ये कहलाता है सुस्त दिमाग, सुस्त दिमाग। 34 अगे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? अगे जो कवि हैं उन्होंने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? उन्होंने कहा है अणुबम्ब को, अणुबम्ब को अगे ने मानव निर्मित सूरज कहा है। 35 घुमकड़ी और अखड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है? नागार्जुन को, नागार्जुन को अखड़ स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। 36 नफीस शब्द का अर्थ है, नफीस बढ़िया। आप जब किसी से मिले तो आप उसे बढ़िया ना कह के बोलिए नफीस, ठीक है? आपको रिवीजन भी होगा और अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। तो आप किसी से आज से क्या मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? नफीस, ना कि बढ़िया बोलेंगे मैं बढ़िया हूँ, बोलेंगे मैं नफीस हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यशपाल की रचना पर किसका प्रभाव है? यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव, उनका प्रभाव कहा गया है कार्ल मार्शल को, कार्ल मार्क्स को। मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ,